भाई कहें, उनका स्वागत है। और सर वेलकम फिर से, आपका पुनः स्वागत। थैंक यू सो मच। मेरे मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपका पुनः जो है इस ग्रुप में, इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चे बहुत आपको मिस कर रहे थे कि हाँ, कि सर को फिर से बुलाया जाए, तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों की डिमांड है कि आपको फिर से बुलाया जाए, और इसलिए आपका स्वागत है। और अब आप इन इन बच्चों से बात करिए, ये क्या चाहते हैं और आप इन्हें क्या देंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्लास अब जदा फॉर्मेलिटी हो जाए, आपको ही हम हैंड ओवर कर देते हैं। सर समझिए, वेलकम सर। अभी ऑनलाइन क्लास में कोई नमस्ते नहीं, किसी का माइक्रोफोन, प्रकाश माइक्रोफोन बंद कीजिए, ट्रेन की आवाज आ रही है। ओके, क्या शरद ने कानपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है रिसर्च में? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, सर, आ वो रही है। है हमारे साथ यस में। सर। ओके, चलिए। आई होप आप सब लोग अपना रिसर्च का जो ड्यूरेशन है उसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको दोबारा ये समय कभी नहीं मिलेगा, और भगवान ना करे कभी आपको और दोबारा पीएचडी करनी पड़े। लेकिन डेफिनेटली वो मिनिमम 36 महीने तो होंगे ही जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। मुझे जो आज रिक्वेस्ट किया गया है आप लोगों के साथ में बात करने के लिए, वो है वर्ड प्रोसेसिंग। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, और कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है आप सब लोगों को आती होंगी। मैं उनसे और भी दूसरी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे रिसर्च में उसको कैसे हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो शायद कुछ चीजें नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मैं सभी चीजें आपके साथ कोशिश करूंगा इस 1 सवा घंटे में कंप्लीट करने की, और फिर 15 मिनट लास्ट में हम कुछ चीजों को अगर रिवाइज करना चाहें, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, तो उसको हम टेकअप करेंगे। आपके सिलेबस में जो वर्ड प्रोसेसिंग में चीजें लिखी हुई हैं, दैट इज द क्रिएशन ऑफ फाइल, अरेंज फाइल एंड फोल्डर, सेव डॉक्यूमेंट एज फाइल, प्रिंट, फॉर्मेटिंग, इंसर्ट पेज, लेआउट एंड कन्वर्टिंग टू पीडीएफ। व्हाट आई फील कि ये सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी, ये बहुत बेसिक्स हैं, बट स्टिल क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो ये तो हम टेकअप करेंगे ही। साथ ही साथ हम आपके साथ में हमारा पूरा एमएस वर्ड प्रोसेसिंग स्क्रीन जो होता है, उसमें जो भी आइकन्स हैं उनका क्या यूज होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च में, उनको हम आज समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप लोगों का अगर कोई एक्सपेक्टेशन हो मुझसे कुछ बताने के लिए तो मुझे पूछ लीजिए या बता दीजिए, ताकि मैं उस चीज को ज्यादा एम्फसाइज कर दूंगा आप लोग के साथ बात करते वक्त। यस सर, फाइल एंड फोल्डर को वर्ड पे बना के उसको सेव करना और प्रोसेसिंग कर दिखाना एक असाइनमेंट के रूप में हमें मिला है। हम सोचे अपना टॉपिक ही बता दें आपको। फिर से बोलिए। फाइल एंड फोल्डर का क्रिएशन है सर, उसको सेव करना और उसको प्रस्तुत व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज के लिए मिला है। ओह माय गॉड, इतना इजी टॉपिक है आपके असाइनमेंट में, पीएचडी में। ओके फाइन, वो सर सिलेबस इजी में तो है। क्योंकि है तो इसलिए असाइनमेंट उसी से मिलते हैं। जी मेरा जी एक्सपेक्टेशन, और इसके अलावा और कुछ किसी को जानना हो? सर, ऑटो क्रिएशन, कंटेंट का ऑटो क्रिएशन और हेडिंग वाला ऑटो क्रिएशन सर बता दीजिएगा, और रेफरेंस ऑटो क्रिएट कैसे करना। ओके, वैसे आपका एक और जो यूनिट है, दैट इज 8th यूनिट, वेयर इन उसमें आपका रेफरेंसिंग है पार्ट एंड साइटेशंस, बट स्टिल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू डू दैट। तो थैंक यू सर। थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कुछ सर स्लाइड्स। आर सॉफ्टवेयर भी बता दीजिएगा।
then we'll talk about. I hope you all can see my screen. Yes, sir. वैसे तो वर्ड के अब मैं आप लोगों का कोई चैट नहीं देख रहा हूँ. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ फर्स्ट. फिर हम ऑनलाइन हो जाएंगे इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम एस वर्ड प्रोसेसिंग एंड एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर. बहुत कुछ वैसे तो किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन हम अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या मैं आपको, क्योंकि समय बिल्कुल फिक्स्ड है तो हम उसमें वो मैक्सिमम चीजें जो रिसर्च में यूज की जा सकी सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ वर्ड प्रोग्राम इज बेसिकली टू क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है विच इज अगेन सब डोमेन ऑफ द एम एस ऑफिस. And then you can create the document, you can edit it, edit mein you can insert, delete and replace text and objects. Text to aapne kiya hi hoga, objects ko hum log aaj dekhenge kaise karte hain. You can format the document jisse ki wo aur zyada pathniye ho jaye aur dekhne mein sundar lage. Aur saath hi saath aap ye bhi sikhenge kaise ki kisi document ko aap print kar sakte hain aur fir usko save kar sakte hain further use ke liye. एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो वर्ड फाइल को यूज करने का होता है वो ये होता है कि आप आपके कंप्यूटर में और या कंप्यूटर के अलावा भी उसको सेव कर सकते हैं. सेव करने के साथ साथ जब से वेब 2.0 वेब 3.0 आया तो आप अपने सेव किए हुए मटेरियल को शेयर भी कर सकते हैं, और उससे एक और स्टेप अब आप आगे बढ़ गए जहां पे आप उसको डिसमिनेट भी कर सकते हैं. ठीक है, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो मुझे आज भी याद है वो सीडीज और डीवीडीज चला करती थी, और आज के समय में अगर आप देखें तो आपको शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, और मैं जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ इसमें शायद वो ड्राइव भी नहीं है. हम लोगों को अब जरूरत ही नहीं पड़ती स्टोरेज डिवाइसेस की एक्सेप्ट द पेन ड्राइव मैक्सिमम और द ड्राइव दैट इज ऑलरेडी देयर इन द कंप्यूटर और इन द लैपटॉप, और अदरवाइज वी हैव आवर ओन ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस दैट इज कॉल्ड क्लाउड, और वी हैव आवर ओन जीमेल ड्राइव जिसमें कि हम हमारा डेटा सेव कर सकते हैं और कभी भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि इसमें कैसे सेव करते हैं अपना मटेरियल और कैसे उसको एक्सेस करते हैं और कैसे इसको आपस में शेयर करते हैं. आप अगर ध्यान दें तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ में टाइपिंग के साथ में उसका एडिटिंग, मूविंग, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग और उसमें पिक्चर्स का लगाना, चार्ट्स का लगाना, ग्राफ्स को जोड़ना, और अगर आपको एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साइमल्टेनियसली अपना काम करते हुए दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं. दैट इज वन न्यू फीचर आई थिंक यू ऑल मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट सो दैट मेनी ऑफ यू कैन वर्क टूगेदर ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट. ये बहुत मजेदार चीज होती है, ये हम लोग इस वक्त ट्राई आउट भी कर रहे हैं. आप लोग इसको सीखिएगा और आपस में इसको करने की कोशिश कीजिएगा, जहां पे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं और शेयर करने के साथ में साइमल्टेनियसली उस पे वर्क करते हैं. ये नो डाउट है कि हम हमारा काम कंप्यूटर्स पे करने के साथ साथ उसको एक इजी तरीके से आगे हैंडल कर पाते हैं. मुझे आज भी याद है मेरा एमएड का डिसर्टेशन वो जो अराउंड 29 पेजेस का था वो मैंने 20 टाइम्स लिखा था. यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगता होगा बार बार फिर से वही चैप्टर को हाथ से लिखने का. अगर वही चीज मैंने टाइप की हुई होती और मेरी सुपरवाइजर अगर उसको सॉफ्ट फॉर्म में चेक कर पाती या देखती तो शायद मुझे इतनी बार वही डॉक्यूमेंट लिखना नहीं पड़ता. तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, डू टाइप. और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आज से सब लोग शपथ लीजिए कि आप लोग थोड़ा 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 टाइप करना शुरू करेंगे और आप शायद आपका सारा रिसर्च भी खुद से टाइप करेंगे. ये मेरा एक्सपेरिमेंटेड है. मेरी खुद की स्कॉलर जो मेरे कानपुर यूनिवर्सिटी में ही थी उनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आता था. उन्होंने हमारे साथ में हमने उन्होंने लैपटॉप दिलाया, उन्होंने हिंदी में टाइपिंग करना सीखा और उन्होंने अपनी थीसिस खुद से टाइप की. ठीक है, सो विद इन 5 years शी लर्न एवरीथिंग. सो एनीबडी कैन डू इट एंड इट इज वेरी इजी. और रिसर्च में आप लोगों को ये आना होना चाहिए और आगे की डिमांड भी आपकी यही है. इफ यू आर गोइंग टू बी 21st century टीचर्स यू शुड नो हाउ टू यूज एंड हैंडल कंप्यूटर्स एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ द बेस्ट इन कंप्यूटर्स एज वेल. आपको एक और भी चीज अब पता होनी चाहिए कि जब आप आपके किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो आपके पास में
काफी ऐसे एमएस प्रोसेसिंग ऑप्शंस हैं जो आपको स्पेलिंग करेक्शंस का ऑप्शन देते हैं, आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे आपके पास लैंग्वेज टूल्स भी अवेलेबल हैं जिसको मैं भी आप लोगों के सामने ट्राई आउट भी करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप जो लिखते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि जो सजेशन कंप्यूटर के द्वारा हमें दिए जा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज यू कैन टेक आउट द प्रिंट ऑफ द कॉपीज। सपोज कीजिए मुझे आपको अभी ये चीज पढ़ाने के लिए वहां पे आना होता और मुझे 25 लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कि मैं उसको फोटो कॉपी करूँ या मैं बार बार हाथ से लिखूं। व्हाट आई वुड हैव हैड डन, मैं सभी लोगों को ये चीज प्रिंट कर देता, 25 कॉपी बनाता, आप सबको दे देता, या आप सबको एक और स्टेप आगे अब हम बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम सब लोग इसको इलेक्ट्रॉनिकली शेयर कर सकते हैं और प्रिंट भी करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे डॉक्यूमेंट को यहीं पे ही सब लोग साथ में देख पा रहे हैं। ओके फाइन, अब हम लोग असली चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज द इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड। आई एम यूजिंग विंडोज 11 and I'll be sharing with you the features of Windows 11 that I have in my laptop, and I'm using Microsoft Office Home and Student, and I'm using the Spectre series laptop with i7 processor. Okay, and I think this does not have much to worry about, लेकिन डेफिनेटली कुछ फीचर्स शायद जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप अगर अपने कंप्यूटर में ढूंढने का कोशिश करेंगे और आप कहेंगे सर ने दिखाया था हमें मिला नहीं, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ पहले से ही कि कुछ फीचर्स शायद विंडो 10 में कम होंगे। आई होप मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग ऑन विंडो 10, और कोई विरला अगर है जो विंडो 7 पे अभी भी काम कर रहा हो तो फिर सॉरी, इस वाले क्लास में आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो नेक्स्ट जनरेशन चीजें हैं। मैं यहाँ से अपने आप को ये प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूँ, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो अभी तक की तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा बात जो मैंने अभी आपसे शेयर किया जो आपको। ओके, नीरज जी ने हाथ उठाया है, नीरज जी डू यू वांट टू आस्क समथिंग? शरद ने भी हाथ उठा के रखा हुआ है, शरद डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो सर। हाँ नीरज जी बोलिए। नहीं सर, वो गलती से हाथ उठ गए थे। नहीं ठीक है, शरद, शरद कुमार, क्या शरद मीटिंग में है? शरद आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, ओके फाइन। अब हम लोग एक्चुअली में हमारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे और वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारे जो भी आइकॉन्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं वो जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, ये बिल्कुल इजी है। सबसे पहला स्टेप, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ही यू विल गेट सम आइकन्स दैट विल आस्क यू कि आपको करना क्या है। तो अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो हम कहां पे जाएंगे? न्यू पे जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा होता अगर आप सब लोग भी हम लोग साथ में होते और आप सब लोग अपने कंप्यूटर में ये सब कर रहे होते, तो स्टिल कोई नहीं, आप लोग आज के क्लास के बाद में इसको करके देखिएगा। सबने किया ही होगा वैसे ये बेसिक चीज, तो राइट क्लिक कीजिए, गो टू न्यू एंड देन ओपन अ फोल्डर। जब भी आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें और आगे करेंगे, तो आप एक फोल्डर बनाइए। ठीक है, मेक अ फोल्डर, फोल्डर को आप नेम कर दीजिए, सपोज कीजिए यू आर राइटिंग से रिसर्च का फोल्डर, RESEARCH रिसर्च, CSJMU। Now, इसको मुझे खोलना है, I'll do the enter, fine. Then, as soon as I do the enter, I reaches to the folder of the research. Right click. अब इस फोल्डर में you can make sub folder also, और आप अपना कोई document, suppose कीजिए आपको further कोई document बनाना है, तो आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने के बाद में जो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए अपने रिसर्च को काम करने के लिए, यू मेक सेवरल फोल्डर्स। ओके, तो
सबसे पहले को आपको दैट इज चैप्टर वन कर लीजिए एंड ऐसे करके आप लोग जल्दी जल्दी आपके सारे चैप्टर्स बना के फोल्डर्स बना लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल शुड डू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दैट इज द बिब्लियोग्राफी इन योर रिसर्च. एक और सेक्शन होता है दैट इज द अपेंडिक्स. और अगर सपोज कीजिए आपको कुछ और भी चीजें करनी है दैट इज द प्रिलिमिनरी सेक्शन फोल्डर जहां पे हम रिसर्च की शुरुआत की चीजें जैसे फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बना रहे हैं तो अब हमें फोल्डर नहीं बनाना है हमें डॉक्यूमेंट बनाना है. तो विल जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंट. सपोज कीजिए आपको एक्नॉलेजमेंट बनाना है तो एक्नॉलेजमेंट की फाइल बन गई. देन फिर से ए लिस्ट ऑफ टेबल्स बन गया. ऐसे आप फोल्डर के अंदर फाइल बना सकते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए ये जो नाम लिखा था मैंने ये मुझे लग रहा है ये सही नहीं है तो मुझे इसको रीनेम करना है. तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन हमारे पास विंडो 11 में ऐसे शो होता है. जस्ट गो टू इट और इसको भी हम वैसे C1 कर देंगे. ओके, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज हाउ वी अरेंज दी फोल्डर्स. ओके, पहले हमने एक फोल्डर बनाया दैट इज दी रिसर्च फोल्डर. उसके अंदर हमने सब फोल्डर बनाए अलग अलग चैप्टर्स के और हमारे थीसिस में क्या क्या चीजें होने वाली है उनके हमने फोल्डर्स बना लिए. ये एक बनाने से फायदा ये होता है कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपके किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में जा सकता होगा तो आप वहीं के वहीं उसी चैप्टर में जाकर उसको सेव कर देंगे. और सिमिलरली अगर आपने ऐसा कुछ लिख रखा है या सोच रखा है जो प्रिलिमिनरी सेक्शन में है आप उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं. ठीक है ना, आई होप यहां तक आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी. लेट अस गो इनटू द चैप्टर वन. सपोज कीजिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूं. दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट से द इंट्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज द फाइन. दिस इज दैट बेसिक एमएस वर्ड लैंडिंग पेज. आप से अभी मैं एक बात कह रहा था कि आप लोग अब एक ऐसे एरा में पहुंच चुके हैं जहां पे आप आपके डॉक्यूमेंट को खुद भी काम करते हुए दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप शायद मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे इस साइट पे, यहाँ पे देखिए ये जो चीज दिख रही है ये आपसे पूछ रहे, ये विंडो 11 के फीचर में है एंड इट इज आस्किंग डू यू वॉन्ट टू आस्क दैट डॉक्यूमेंट. सपोज कीजिए You want to share it, then आप yes करेंगे. Yes करते ही आप इस document को किसी और के साथ में share करेंगे. Suppose if I'm sharing this with, suppose I'm inviting myself, so I'm writing my email and that is it. आपको या मेरे को, मैं जिससे अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ उसको केवल मैं इतनी परमिशन देना चाहता हूँ कि वो देख सके तो मैं कैन व्यू करूंगा. और अगर मैं उसको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि वो उसको एडिट भी कर सके, जैसे आप अपने सुपरवाइजर के साथ में ऐसा कर सकते हैं, यू कैन गिव द सुपरवाइजर द राइट टू एडिट द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, तो कैन एडिट ऑल्सो एंड देन यू कैन राइट प्लीज सी द चैप्टर एंड सजेस्ट एंड दैट्स शेयर. Now, this document would be shared with me. You can see here now. Okay, you can see that. Now, the document, I am editing the document. I'm writing the document. And this is shared with Jirao, mjpru.ac.in, who can see this document and can edit it. Now, let us go back. And we'll start from the very left corner. I hope you can see the very left corner. This icon is basically
the shortcut. शॉर्टकट ऑफ डूइंग समथिंग विद योर डॉक्यूमेंट. आप जो भी डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे काम कर रहे हो और आपको बहुत लंबा टाइम नहीं करना है, यू कैन जस्ट गो टू दिस आइकॉन एंड यू कैन डू योर एक्टिविटीज. द वेरी लेफ्ट कॉर्नर वन शोज हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट, और इफ यू वॉन्ट टू सेव योर डॉक्यूमेंट जस्ट क्लिक ओवर इट, योर डॉक्यूमेंट वुड बी सेव्ड. नाउ माई डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी सेव्ड, सो इट इज सेविंग. नाउ सपोज करो आप ये काम करते हुए आपको एक और नया डॉक्यूमेंट नया चाहिए, तो जस्ट क्लिक ओवर इट, यू विल हैव अ न्यू डॉक्यूमेंट जो कि आप अभी आपके सामने खुल गया है. आई एम गोइंग बैक, आई विल जस्ट शो यू टू यू. देखो ये डॉक्यूमेंट पुराना वाला था, अभी नया डॉक्यूमेंट कौन सा खुल गया है. यू कैन सी हियर डाउन साइड द न्यू डॉक्यूमेंट इज हियर. ये इसलिए खुला क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर दिया था. अभी मैंने इसको क्या किया, इसको बंद कर दिया. हम वापस अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे आ गए. नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक अ फोल्डर साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में काम करते हुए, जस्ट क्लिक ओवर द नेक्स्ट आइकॉन, दैट्स फोल्डर. वो फोल्डर कहाँ पे आपको खोलना है, सपोज करो मेरे को डेस्कटॉप पे खोलना है. बस फोल्डर पे जाने के बाद में गो टू योर डेस्कटॉप एंड ओपन योर फोल्डर विद द नेम विच एवर यू वॉन्ट टू. ओके, किसी फोल्डर में आपको जाना है इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में फोल्डर बना हुआ है, दिस इज हियर रिसर्च सी एस जे एम यू, उस फोल्डर पे गए और वहां पे इस फाइल को जो भी आपको नाम देना हो वो आप देकर के सेव कर सकते हो. इनकेस अगर आपको इस फोल्डर में किसी सब फोल्डर में सेव करना है, जैसे मैं आपसे बोल रहा था गो टू चैप्टर वन इंट्रोडक्शन वाला फाइल है यहाँ पे, यहीं पे जाकर के आप उसको नया नाम दे सकते हो, यू कैन सेव. ओके, और इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ फोल्डर डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ फोल्डर विदाउट ओपनिंग अ वर्ड, यू कैन ओपन फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल okay, now if you see the next drop down menu which you can see here, is drop down menu se aap aapke functions ko aapke screen pe left hand corner pe first function ke liye la sakte hain. Just click over it, you will have the options. Naya folder kholne ka option already maine yahan pe check kar rakha hai, to main naya document khol sakta hu yahi se. मैं ओपन भी कर सकता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ. अगर आप चाहते हो कि यहीं पे ही आपके पास में ऑप्शन रहे कि आप आपका डॉक्यूमेंट ईमेल भी कर सको, तो आप अपना ईमेल का ऑप्शन कर सकते हैं. तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट को सेव करो फिर फोल्डर में जालो फिर ईमेल खोलो फिर ईमेल में जाओ, उस टाइम को सेव करने की जगह पे यू कैन जस्ट चेक योर ईमेल ऑप्शन. यू कैन सी देयर इज एन ईमेल अटैचमेंट ऑप्शन ओपन्ड, तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो आप इस चीज को अपने डॉक्यूमेंट के साथ में ईमेल खोल के शेयर कर सकते हैं. प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, आई एम फेसिंग एन एरर, बट द स्क्रीन यू कैन डू द ईमेल. ओके, डू यू वांट टू हैव अ क्विक प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट भी ऑप्शन आ जाएगा. आपको फाइल पे जाकर के जस्ट गो टू द प्रिंटर एंड आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. जैसे ही नहीं दिखे या कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ठीक है. बट यू वॉन्ट टू सी हाउ डज अ डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक प्रिंट प्रीव्यू. ओके, अभी मैंने क्या किया, प्रिंट शो यू अ प्रिंट प्रीव्यू. दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट वुड लुक लाइक इन प्रिंटिंग. अभी क्योंकि मैंने कुछ टाइप नहीं किया था इसलिए ब्लैंक पेज दिख रहा है यहाँ पे, अदरवाइज this is how the print, the document would look like. Now suppose karo abhi ye maine editor ka option open kiya hai. Aap suppose ki yahan pe main koi document ka I'll just copy some document like say some matter from
any of the word file, and then I'll just copy that here for you. So say I'll just take this paragraph for you all. Okay. If I uncheck that, there is no suggestion for me. It is a green option opened here. Okay. This is basically the Grammarly editor option that I already have my subscription with. So any editor that is there in your system, you can access to it and you can check. Now, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट में अपना मैटर पेस्ट किया था तो आपको ये लाइंस नहीं दिख रही थी, अभी देखो ये लाइन दिख रही है और ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट स्पेलिंग्स को लेकर के फॉर्मेटिंग को लेकर के किए जा सकते हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रीड टू इट एंड आई विल सी दैट कि वो चीजें ठीक हो जाए. ये कुछ करेक्शंस वर्ड हमें विदाउट एडिटर ऑन करके भी देता है, वो यू कैन चेक. Like suppose this is showing science, it is saying कि वो science का s small होना चाहिए. तो without editor on करने पे भी कुछ suggestions होते हैं, लेकिन वो grammatical ना होकर के spelling errors ज़्यादा होते हैं. तो या जैसे यहाँ पे होशंगाबाद लिखा हुआ है, तो होशंगाबाद is a Hindi word, so computer does not have that understanding, so it is showing there is some mistake. So you have to bypass it and do not correct it with the editor. Now. Next option that we see is read aloud. This is a beautiful option. जब आपको suppose करो कोई document हो और आप उसको पढ़ना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो what you can do is सबसे पहले इसको select कर लो. मैं अभी आप समय कम है तो I'll just select one line and I'll go for read aloud. They may use their scientific information in response to practical difficulties and issues. Science must be included in the educational process at various stages. क्या आप लोग सुन पा रहे थे जब कंप्यूटर पढ़ रहा था ये डॉक्यूमेंट तो? Yes, sir. जी सर. बढ़िया. ये तो आप कई बार कहते हैं ना कि जरा पढ़ के सुनाओ या पढ़ के बताओ, तो दिस ऑप्शन कैन बी वेरी गुड फॉर यू व्हेन यू वांट. इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट, तो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर फ्रेंड टू हियर अबाउट अ डॉक्यूमेंट. तो मैंने अभी केवल क्योंकि एक ही लाइन सेलेक्ट किया था और रीड अलाउड का ऑप्शन किया था, आई कैन जस्ट सेलेक्ट कंट्रोल ए एंड आई कैन गो फॉर द रीड अलाउड ऑप्शन. द डॉक्यूमेंट विल बी कंप्लीटली रेड बाय द डॉक्यूमेंट द रीडर. ओके, तो ये पूरा लाइन अभी पढ़ेगा उसको. तो अभी आई एम स्टॉपिंग दैट नाउ. अगर रीड अलाउड मुझे नहीं करना तो मैंने अभी इसको अनचेक कर दिया, देन उसके मुझे एडिटर भी नहीं करना है, मैंने अनचेक कर दिया, देन प्रिंट प्रीव्यू भी मेरे को नहीं देखना है और मुझे क्विक प्रिंट भी नहीं करना है और मुझे ईमेल भी नहीं करना है, मैंने हटा दिया उसको. मैंने आपको दो चीजें सिखाई, दैट इज करना और नहीं करना, ठीक है, या आपने पहले अपने ऑप्शन चेक किए फिर मैंने उसको वापस किया, दैट इज कॉल्ड डूइंग अनडू एंड रीडू. और सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा काम है जो आपने किया है एंड यू वांट टू अनडू इट, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस ला सकते हैं. आपका जो भी चेंज आपने अभी लास्ट जो मैंने किया होगा वो ये अनडू कर देगा. यू कैन सी यहाँ पे इसने वापस फिर से करेक्शंस चेंज कर दिए. यहाँ साइंस का मैंने स्पेलिंग अभी क्या किया था, साइंस का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने एस स्मॉल कर दिया था, इसने क्या कर दिया, इसको फिर से वापस कर दिया. कैन यू सी दी साइंस स्पेलिंग? अब शायद आप मेरे पेन को देख पा रहे होंगे. कैन यू सी दैट? यस सर. यस सर. यस सर. जी सर. जी सर. फाइन. आप सपोज कीजिए आपको टेबल बनानी है तो यू कैन जस्ट मेक अ टेबल. Okay, and it will be converted.
You just have to choose for a table and okay. Now, can you see what has happened just now? Okay. Fine. This is some what that okay. If I insert a table here, it will not be inserted. Why? Because there is already a document here. So what you have to do is make some space for the table and then delete it. Let's see the other beautiful option, that is touch and mouse mode. Okay. मेरे लैपटॉप में क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है तो I can do that using my pen. Can you see my pen? See into the camera. Yes, sir. I have a pen in my hand. So this is the pen for the laptop that I'm using. So I can use the screen without opening this option. But agar aapke paas pen nahi hai correction ke liye, then what you can do is just go with the touch or mouse option. Jaise hoga, so what you can do is you can use your mouse to do the tasks. Aap apne mouse ke through likhne ka kaam, table ka kaam, wo kar sakte hai, jo generally aap log mein se kai log jo hai wo karte hoenge. Fine. अभी हमारे ये क्विक ऑप्शंस जो हैं वो खत्म होते हैं. लेट अस गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ द टॉप हैंड कॉर्नर. दिस व्हाट यू सी इज बेसिकली द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट. मैं जैसे मेरा डॉक्यूमेंट है तो आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड दिस इज इफ यू वांट टू शो योर ये जो लाइंस दिख रही है ना ब्लू व्हाइट कलर्स ऐसा है ना दे आर टैब्स और कमांड्स विच इफ यू वांट दैट वो आपको नहीं दिखे तो आप इनको चूज कर सकते हैं. एक एक करके मैं आपको चूज करके दिखाता हूँ. यू कैन सी द डिफरेंस. फाइन. फर्स्ट ऑप्शन मैंने चूज किया था तो आपको सबसे ऊपर जो भी सिंबल्स कमांड्स दिख रहे थे वो नहीं अब दिख रहे हैं. इफ आई शो जस्ट द सेकेंड वन आपको नीचे के कमांड्स नहीं दिख रहे हैं केवल आपको टाइटल बार दिख रहा है. एंड इफ आई एम गोइंग फॉर द ऑप्शन शो ऑल टैब्स तो अभी हमें देखिए ऊपर का टैब ये वाला ऊपर का टैब और नीचे वाला ये वाला टैब दोनों दिख रहा है. ठीक है. नाउ दिस यू मस्ट बी नोइंग ये मिनिमाइज का ऑप्शन है एंड दिस इज द मैक्सिमाइज ऑप्शन. एंड ये एक ऑप्शन विंडो 11 के साथ में मिल रहा है दैट इज यूजिंग टू स्क्रीन्स टुगेदर. यू कैन सी इफ आई वांट टू यू नो यूज माय प्रेजेंटेशन कैन यू सी माय स्क्रीन. आई कैन यूज टू स्क्रीन्स टुगेदर. यस सर. ओके. एंड इफ आई वांट आई कैन से आई कैन यूज फोर स्क्रीन्स टुगेदर. ओके. सपोज करो आई वांट जस्ट फोर स्क्रीन्स टुगेदर. आई कैन यूज इट. फाइन. बट ये तभी बहुत जरूरी होता है जब आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हो या आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम करने हो तो यू कैन यूज इट. ओके. नाउ लेट अस गो टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन दैट इज द फाइल ऑप्शन दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. जनरली दिस इज हेल्पिंग यू टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट and save the document.
अगर आप उसको ऑटोमेटिक किसी भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, को कहीं और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं जिस लोकेशन में आप काम करते हैं उससे कहीं अलावा, देन यू हैव टू गो फॉर सेव एज ऑप्शन, एंड देन प्रिंट का ऑप्शन है, देन शेयर का ऑप्शन है। शेयर का ऑप्शन सेम वही ऑप्शन है जो मैंने आपको ईमेल पे वाला दिखाया था, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड ऑफिसेस यू हैव ऑप्शंस ऑफ इट। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था, आप पहले आपके साथ के लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, आप उसको ईमेल कर सकते हैं किसी को, आप किसी को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई किसी सोशल मीडिया पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ वेब 2.0 टू वेब 3.0 वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और एक्सपीएस ईदर टू योर सेल्फ और टू समवन एल्स, यू कैन यूज द एक्सपोर्ट फॉर्म एंड यू कैन क्लोज इट फ्रॉम हियर। एंड ये अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अकाउंट से आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। सपोज जैसे ये मेरा नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, दिस इज माय ईमेल दैट इज लॉग्ड इन हियर एंड आई एम ऑन लाइन विद यू थ्रू दिस ईमेल एंड दैट इज इट। इन मोर यू कैन गिव सम फीडबैक्स एंड ऑप्शंस टू द एमएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इफ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट इन योर डॉक्यूमेंट दे कैन हेल्प यू आउट। ओके, नाउ second option is the home option. This is the place wherein you do the maximum work. ये वो जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा काम करेंगे और करते हैं। इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। रिसर्च में आप एक बहुत बेसिक चीज करते हैं, दैट इज द कट एंड पेस्ट। तो आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी इज कॉपी एंड कंट्रोल वी इज पेस्ट। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो टू पेस्ट ऑप्शन एंड यू कैन पेस्ट व्हाटएवर थिंग्स दैट यू हैव टेकन। ओके, राइट क्लिक करने के बाद में पेस्ट के साथ साथ आपको कई ऐसे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको आपके टेक्स्ट के बीच में अगर कोई पिक्चर लगानी है, कोई लिंक लगाना है, तो हाउ डू यू डू दैट। सपोज कीजिए मुझे कोई लिंक लगाना। एक चीज और भी है, अभी आई एम ऑनलाइन विद यू, तो मे बी पॉसिबल कि मैं आपसे मीटिंग से निकल जाऊं अगर मैं किसी और दूसरी साइट पे जाने का कोशिश करता हूं, तो हैव पेशेंस, आई विल कम बैक अगेन इन द मीटिंग इफ आई एम आउट इन द आउट ऑफ द मीटिंग देन। ठीक है, लेट अस सी, आई वांट टू ब्राउज द फोटोग्राफ फ्रॉम द ईमेल एंड आई विल जस्ट गो टू flower image was this, and I want this to be, you know, pasted. Copy image, go to your document. I don't need to Can you see? I hope आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। Yes sir. जी सर। Yes sir. अभी मैंने तुरंत मेरे डॉक्यूमेंट पे काम करते करते यहाँ पे कोई फोटोग्राफ ढूंढ करके डाल दिया। अब लेकिन फोटोग्राफ तो आप लोग तो क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च काम कर रहे हैं, तो ये फोटोग्राफ फ्लावर का तो आपके काम का है नहीं। तो आपको अगर कोई सपोज करो डायग्राम ढूंढना है, देन भी आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। गो टू लिंक, सर्च ऑनलाइन, से इफ यू आर सर्चिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, तो इमेजेस एंड suppose you want with this, you want this, so you can do two, three things. You can copy the image, you can add the link of the image, but kyunki thesis mein aapko picture chahiye hogi, to copy the image. But what is very important with you to take care of is
the image is here, okay? Suppose कि अभी क्या है कि ये इमेज खाली दे देने से काम नहीं बनेगा ना, आपको जब भी कभी आपको इमेज लीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज को आपको रेफरेंस करना चाहिए. तो अगेन आई विल गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन द पिक्चर. Which I have lost. So what I can do is I'll again go with link. एक और भी चीज समझिए. सपोज कीजिए आपको ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आप किसी अपने डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो you can use the link to do that also. Okay. I'll just go to the save any of the site, go to the construct. Where is that image? Let me just search it out. Here you go, image. Okay. Now you can see. The image is from Embracing the Learning Theory Constructivism, and because it has a copyright, so you have to visit the site and the diagram is here. So here is the diagram and you can either take from here or you can just copy the URL and put it here and write. So, okay, one thing you must remember that ये जो हमने चीज अभी करी है, आपके पूरे थीसिस में 10% से ज्यादा नहीं कर सकते. Means you cannot take more than 10% of the other's work in your thesis, and that too in that also case also you have to give the reference from where you have taken the document. Okay. Now, let us see other things. Suppose करो मेरे को ये कोई लाल टेक्स्ट लिखा हुआ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद में देखो, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं अगर कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे देखो कट एंड कॉपी जो है वो अनबोल्ड है या इनएक्टिव है. Okay? तो मुझे वो करने के लिए, उस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए मुझे पहले कोई चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी. सेलेक्ट किया, कट अगर कर देते तो वहां से गायब हो गया. सपोज करो अगर मुझे फिर से उसको वापस लाना है तो इधर आई कैन गो फॉर कंट्रोल जेड, जिससे कि मैंने जो किया था वो चीज वापस आ जाए. या फिर अभी जैसे हमने यहाँ पे एक ऑप्शन था ना अंडू का ऑप्शन, वापस लाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट अंडू इट एंड यू कैन सी द टेक्स्ट दैट आई डिलीटेड फ्रॉम हियर हैज कम बैक. ओके, ये बहुत वैसे बेसिक चीज है, लेट अस गो फर्दर. ओके, दैट यू कैन यूज इन योर रिसर्च. फॉन्ट्स बदलना आप सबको आता है. सपोज करो ये कैलिब्री फॉन्ट है, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, सारा सेलेक्ट हो गया. देन हम लोग जनरली जो टाइप फॉर्मेट यूज करते हैं दैट इज द टाइम्स न्यू रोमन एंड जस्टिफाइड फॉर्मेट. Line spacing is 1.5 and font size is 12. Okay. Now, let us go into the other details. B से आप कोई भी चीज bold कर सकते हैं, I से italicize कर सकते हैं. Okay. Suppose करो मैंने कोई भी say term, suppose NCF लिया है, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको bold कर लिया. Bold हो गया वो, control I से italicize हो गया. अंडरलाइन तो वो अंडरलाइन हो गया. ठीक है, सपोज करो मैं एक सुपरवाइजर हूँ या टीचर हूँ, तो मुझे ये मेरे स्टूडेंट को बोलना है कि ये वर्ड हटा दो, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कट इट ऑफ. तो माय स्टूडेंट विल कम टू नो कि दिस वर्ड माय सुपरवाइजर हैज आस्क्ड मी टू डिलीट दिस टर्म, तो आई कैन जस्ट कट इट ऑफ. राइट, नाउ सपोज करो मैं एनसीएफ के लिए मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा लिखो, है ना. तो या मैंने ये कहा कि कोई चीज है उसको सुपरस्क्रिप्ट में डालो, तो जनरली हम जब फुटनोट डालते हैं तो व्हाट डू वी राइट दैट डाउनसाइड. अभी विल कम टू द फुटनोट आल्सो, हाउ टू डू इट थ्रू द वर्ड प्रोसेसिंग.
देन ये सब हम टेक्स्ट रिसर्च में डिजाइनिंग का पार्ट एज सच हम कंटेंट में नहीं बहुत लेते हैं बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक राइटिंग. तो दिस टेल्स यू द bullets, how to put bullets, you can see, you can choose bullets into it in your writing. This is the numbers bullet that you can choose. This is the indents of your text, and this is if you want to align your content into the increasing order of alphabets, and if you want to add some paragraphs with some signs. So you can do such symbols. Subjects like music and languages use such symbols. So abhi hum log ke kaam ka wo nahi hai. So and these are the alignments that I have already told. This is the line spacing and paragraph spacing. This is for the shading of your content. Suppose karo maine ye do line kiya, mujhe isko shade karna hai, maine isko blue se kar diya. Theek hai? That's blue. Now this talks about the fonts and all other things, and then with the find you can find out a particular term. Suppose karo mujhe dhoondna hai schools, to find pe agar main click karta hu to find hua, then I am finding schools. So jitne bhi schools honge is document wo mujhe dikh jayenge. Now let us go into the insert part. ये वो चीजें कुछ हैं जो आप लोगों को अब सीखनी है. ओके, सपोज करो आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, से आपने कोई असाइनमेंट लिखा है. अब आपको इस असाइनमेंट से ऊपर आपको एक कवर पेज लगाना है. जस्ट गो टू योर इंसर्ट एंड गो टू योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द कवर पेज. कैन यू सी द कवर पेज पोर्शन? ओके सर, विद द कवर पेज यू विल हैव सो मेनी कवर पेज ऑप्शंस. यस सर, तो जस्ट गो टू योर कवर पेज. यू कैन सपोज करो ये एक देखो एक ब्लैंक कवर पेज मेरे जो कंटेंट था, मैं फिर से करता हूं. ये मेरा डॉक्यूमेंट था, मुझे इससे पहले कवर पेज चाहिए. मैंने कवर पेज पे गया, मैंने कोई भी डिजाइन चूज कर लिया, सेट ये वाला चूज किया मैंने. यहाँ पे कवर पेज आ गया मेरे डॉक्यूमेंट से पहले. दिस इज इंसर्टिंग अ पेज एंड अ कवर पेज टुवर्ड योर डॉक्यूमेंट. सपोज दिस इज द से एनसीएफ पेपर. I'm doing research from CSGMU. I'll just write the cover page, design, topic, and the name. Suppose it's asking for an email address, so I'll just write. Always remember when you write a document, use your emails with which you want the correspondence. Fine, and you can delete it off also. Now, with you have a cover page to it. सपोज करो आपको अभी क्या है कि इसके बाद में एक ब्लैंक पेज चाहिए. गो फॉर अ ब्लैंक पेज. ब्लैंक पेज आके बीच में देखिए, यू कैन सी अ ब्लैंक पेज. देयर इज अ ब्लैंक पेज बिटवीन द कवर पेज एंड द टेक्स्ट पेज. यू कैन सी अ ब्लैंक पेज. आई एम डूइंग वंस अगेन. ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है. यहाँ पे मेरा कर्सर था, आई जस्ट सेट ब्लैंक पेज. एक और ब्लैंक पेज आ गया, देखो हटा दिया मैंने. फिर से ब्लैंक पेज करना है तो आई हैव अ ब्लैंक पेज. फाइन. नाउ सपोज करो मेरे को अभी टेबल करनी है कोई, तो इंसर्ट टेबल पे गए. आप कॉलम्स एंड रोज आइडेंटिफाई कर लीजिए कितने आपको चाहिए. सपोज आई वांट अ टेबल ऑफ 3x2, इट्स हियर. टेबल पे गए, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, इंसर्ट, रोज एंड कॉलम्स चूज करिए, एंट्री कीजिए. नाउ इसमें कोई चीज नया? ओके फाइन. ये एक्सेल शीट भी आप लोग ने शायद इंसर्ट किया हो, अदरवाइज सपोज करो आपका कोई पेपर है एंड लाइक
आपने एक्सेल शीट कहीं बना रखी है बट नाउ यू वांट टू इंसर्ट इट हियर, तो जस्ट एक्सप्रेस एक्सेल शीट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको यू नो प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, इट विल शो लाइक अ टेबल, सो इट वुड बी इजी फॉर यू, जस्ट इतना दिखेगा आपको, ओके okay? आपको ऐसे नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा था. So if you want some table which has n numbers of things, so you can just go with Excel first, do the entries, and then you can just leave it off. Okay? Then suppose you want to add pictures, so you can add pictures. आप डिवाइस से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं. डिवाइस से लेंगे तो आपको आपके सिस्टम पे रखना पड़ेगा उस पिक्चर को, और अगर ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे गए, जैसे अभी हमने किया था. ऑनलाइन पे गए, सपोज करो मेरे को सही एडुकेशन अफेयर्स, मीटिंग्स ऑफिस, सपोज से एक पिक्चर से इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर दिया, अभी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट आ गया, ठीक है. So you can do that. You can insert the pictures. But always remember when you do that, ये आपको option देते हैं Creative Commons pictures को add करने का. Creative Commons means those pictures which are free to access and to use it for educational purposes only. But आप अगर नहीं, आप अगर खुद की अपनी कोई picture रखी हुई, तो you can insert those pictures that way in the document. It would not take much time. अब इसके बाद suppose कीजिए आपको कोई shapes insert करने हैं, तो you can go with shapes. Okay, and you can work over this, and then if you want suppose some icons to be inserted, you can insert some icons, say suppose karo you don't want this to be, you know, do it. So main ye chahta hu ki ye document koi na dekhe, to main is document ke sabse last mein dal dunga isko, ya just isko main copy karunga. Copy karne ke baad main yahan pe acha pita honi chahiye, aage hum log just paste it off here. Fine. So this way you can also insert some, you know, shapes to your document. That would be if required in your document, you can do that. Is tarike se you can insert some symbols into your paper. Sometimes for statistics formula that you have to, you can just go to insert and some icons and models. Okay, you can see from, you can choose from this side. Education, so you have the educational symbols and some options that you can use if you want. Okay, now abhi 3D models agar ho to that also you can take from here, you can insert it off. And then some smart arts. Smart arts are now being used more into the presentations and the text. So if you have some text that can be presented in the form of a table or something, you can use it. Say process mein alag alag diagrams hain. You can aap apne left hand corner se yahan pe alag alag cheeze choose kar sakte hain aur fir usko yahan pe use kar sakte hain. Suppose karo maine ye text use kiya, ab yahan pe aap alag alag text ko type kar dijiye and do the enter. That's it. And then if you want to insert some charts, screenshots, you can do it from here. Important things are with page numbers. Okay. When you write page numbers in your thesis, bottom page, suppose karo, this is there. So your automatic aapko options dega. You can just choose it off. In your research papers, you can put the पेज नंबर्स, ये आप लोगों को पता होगा. एक जो चीज आप लोगों को अब सीखनी है और आपके टीचर्स को भी आपको लोगों को सिखानी है, दैट इज टू इफ सपोज करो आप आपका कोई रिसर्च पेपर लेकर के भेजते हैं, यू आस्क योर टीचर सर प्लीज आप उसी में कमेंट कर दीजिएगा. ओके, तो यू कैन जस्ट एड अ कमेंट टू इट एंड यू कैन सी दैट कंट्रोल. सर लेट मी शो यू हाउ. सपोज करो मैं आपका टीचर हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज को आपको और थोड़ा इलाबरेट करने की जरूरत है, तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल गो टू इट, राइट क्लिक करके न्यू कमेंट कर दूंगा मैं, यहाँ पे कमेंट हो जाएगा एंड आई विल जस्ट राइट एड फ्यू मोर लाइंस टू इम्प्रूव इट.
ओके एंड एंटर कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि जब भी ये डॉक्यूमेंट मैं मेरे स्टूडेंट को भेजूंगा तो वो इसको पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद मैं इंप्रूवमेंट कर दूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा वो हमारे कमेंट्स को हमारे परमिशन के बिना नहीं डिलीट करें, वैसे वो कर भी नहीं पाएगा शायद। और अदरवाइज आप ही इसको देख ले कि जब उसने अगर ऐड कर लिया तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो टू राइट क्लिक एंड डिलीट द कमेंट कैन गो राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने आपका कमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, या अगर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है तो उसमें अपना क्या रैशनल दिया है कि इसको हमने इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया है। ओके नाउ मैं आपसे बात कर रहा था आपके कुछ सिंबल्स ऐड करने के लिए, तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन टेक योर सिंबल्स एंड यू कैन ऐड मेनी मोर्स फ्रॉम देयर। इट्स गोइंग टू बी 3। ओके अभी हम दूसरे ही ऑप्शन पे पहुंचे हैं, मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू थिंग्स आई थिंक यू ऑल शुड लर्न, दैट इज द ड्रॉइंग पार्ट। ड्रॉइंग पार्ट में एक चीज बहुत ईजी है, आप क्या होता है अब आप लोग पेपर्स बना रहे हो, आप लोग को कोई कहीं का डायग्राम नहीं लेना है, अब खुद का अपना डायग्राम बनाना है। सपोज करो मेरे को मेरा डायग्राम बनाना है तो आई जस्ट गो टू द ड्रॉ ऑप्शन। ओके यू कैन सी अभी हम इंसर्ट पे थे, अभी हम ड्रॉ पे गए। ड्रॉ पे जाने के बाद में हम कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट पे क्योंकि ड्रॉ विद टच है तो आई विल गो विद ड्रॉ विद टच एंड आई जस्ट सेलेक्ट द पेंस एंड आई वॉन्ट अ से पेंसिल। ओके एंड वाई डू आई नीड अ पेंसिल बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ से face, okay? I want to make a face. So, I exactly don't want ki वहाँ पे कोई colored picture आए, मुझे वहाँ पे कोई ऐसा picture बनाना है जो मैंने देखा हो। या suppose करो आप कोई qualitative काम कर रहे हो और उस qualitative काम में आपको लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसा ही picture रखा जा सकता है जो बहुत astonishing हो, जिसको आपने देखा हो, जो आप अभी भूल नहीं सकते ना, तो you can just do that. ओके ओके सम ऑफ सम समटाइम्स यू नो यू जस्ट मेक अ डायग्राम दैट नीड्स फीचर्स एंड दैट्स शेयरिंग। ओके नाउ आई वांट टू पुट अ कमेंट टू इट। ओके अब मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो व्हाट आई विल डू आई विल गो टू द इरेजर एंड आई डिलीट इट। ओके आई वांट टू राइट विद द हाइलाइटर पेन, सपोज कलर मुझे बदलना है, गो टू योर सिलेक्शन, नाउ आई वांट टू राइट। इट्स लुकिंग गुड आई सपोज। नाउ अब मुझे इसमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू डिजाइन इट ऑफ ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टू टेक अ कलर ऑफ इट। नाउ आई वॉन्ट द पोस्टर टू बी प्रिपेयर्ड, हियर इट इज, दैट इज व्हाट आई वॉज सेइंग। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू विद वर्ड, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट आइकन, दैट्स डिजाइनिंग। सपोज ये आपका कंटेंट है, नाउ यू वांट द डिजाइनिंग ऑफ दिस कंटेंट। क्योंकि आप एकेडमिक काम कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू डू मच टू इट, टेक्स्ट आपके सारे ब्लैक रहेंगे, पेज आपका कलर व्हाइट ही रहेगा, यू वांट एंड यू कांट चेंज। बट इफ सपोज करो यू आर मेकिंग सम ड्रॉइंग डिजाइन दैट इज ओनली विद द ड्रॉइंग ऑफ द ड्रॉइंग सेक्शन, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट। देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंसर्ट अ शेप फर्स्ट, insert the shape and then you can fill the color that you want, suppose it's orange, and if you want insert captions to this. Okay, trigger one is auto captions, you can do that. Now, where I was designed. This paragraph spacing gives you the spaces that you need in between the paragraphs. Generally, we put that the paragraph which just have only one enter space. So, you need not to put it until you are asked to do.
किसी किसी रिसर्च पेपर्स में यू आर ओनली आस्क्ड टू पुट वन एंटर और यू नीड यू आर आस्क्ड टू हैव अ कॉम्पैक्ट पैराग्राफ स्पेसिंग तो यू कैन चूज अदरवाइज जनरली लीव इट डिफॉल्ट देन यू डू नॉट वांट टू पुट एनी इफेक्ट्स यू कांट यू शुड नॉट डू इट एंड लेट अस गो टू द लेआउट ऑफ योर रिसर्च राइटिंग्स जनरली इन मार्जिन दैट यू सी हियर यू हैव टू पुट ऑल वन फ्रॉम वन साइड ठीक है तो यू कैन कस्टमाइज योर मार्जिन्स एंड यू कैन इंक्रीज इट टू ओके से वन इंचेस फ्रॉम ऑल ओके टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट Okay, always remember and see the part from where the binding is to be done needs to be given more space. So while writing, when you don't have to get it bound, just keep it one. But when you are going to get it printed for your thesis, keep 1.5 from the margin side. Okay. Now you can see the content is shifted to the new margins that I have designed. Now, orientation of the page. Orientation hamesha hamare document ka jo hota hai wo horizontal the layout. Portrait hi rehta hai. Wo landscape mein nahi aata. Matlab hum nahi karte usko. And then the size is always A4 when you are writing for your research thesis. And the column work. हमारे थीसिस में हम लोग हमेशा वन कॉलम राइटिंग ही करते हैं कुछ जर्नल्स में आपको टू कॉलम राइटिंग मांगते हैं एंड जब आप कोई ब्रोशर या कुछ बनाते हैं दैट इज अ थ्री कॉलम राइटिंग ओके नाउ इफ यू वॉन्ट सम पेज ब्रेक्स यू कैन गो विद दिस एंड यू कैन इंसर्ट सम सेक्शंस यू कैन गिव लाइन नंबर्स जो कि आपको थीसिस में यहाँ पे नहीं देने होते हैं हाइफनेशन आप लोगों को मुझे लगता है करना चाहिए इसमें होता क्या है कि आप जब टेक्स्ट लिखते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है ना वो इधर उधर भाग जाता है आपके अलाइनमेंट से तो अगर आप हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपका जो भी कंटेंट होगा वो एक अलाइनमेंट में आता चलेगा और अल्फाबेट्स एडजस्ट होते चलेंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सपोज करो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने उसको जस्टिफाइड कर दिया है और आप देखिए यहाँ पे ये अकॉर्डिंग जो हुआ है आधा यहाँ छूट गया आधा दूसरे लाइन पे छूट गया ठीक है अगर मैंने हाइफनेशन किया हुआ होता तो ये क्या होता कि ये यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता और अकॉर्डिंग दूसरे लाइन पे आ जाता आपने बुक्स में देखा होगा इसको जहाँ पे आप देखते होंगे कुछ यहाँ पे स्पेसेस ऑटोमेटिकली जगह वर्ड्स के बीच में बढ़ जाती है और वो चीज नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाती है नन ऑफ दी वर्ड्स आर लेफ्ट लाइक दिस विद डैशेस यू कैन सी 1-2-3-4 So there are so many dashes onto the left hand, right hand corner. So when you start document before it starting, आप जब document बनाना शुरू करें उसी वक्त ही layout में जा करके margin, orientation, size, column और hyphenation fix कर दीजिए या check कर दीजिए तो ये problem आपको आगे चल के नहीं आएगी ठीक है This is one that is very important thing you should know with word processing text. Okay? Now. ये हमारे कुछ साथी पूछ भी रहे थे दैट इज रेफरेंसिंग हाउ टू पुट दैट सो आपके इस वक्त के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने वाला होना चाहिए कि हाउ टू पुट फुटनोट एंड नोट एंड इंसर्ट द साइटेशंस ठीक है आई एम श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस से ही ज्यादा सीख पाएंगे बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट इजी टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ओके यू जस्ट गो टू सपोज करो यहाँ पे मैंने एनसीएफ के बाद यहाँ पे कर्सर को ले जाके रखा और मुझे यहाँ पे कोई एंड नोट इंसर्ट करना है जैसे मैं एंड नोट इंसर्ट करता हूं तो इस पन्ने के लास्ट में यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एन एंड नोट ओके यू कैन सी द वन कैन यू सी द वन पोर्शन यस सर ओके जी सर ऑटोमेटिकली कम नाउ सपोज करो आपको एंड नोट के साथ-साथ यू नीड अ फुट नोट एंड नोट में क्या होता है एंड नोट में नंबर नहीं आता एंड नोट में यू जस्ट हैव अ नंबर हियर बट नो नंबर विद द कंटेंट आप एनसीएफ से पहले आप इसको ओके लेट मी डू इट वन सेकंड इंसर्ट एंड नोट ऊपर वन आ गया नीचे वन आ गया ठीक है आप
एक और डालना चाहते हैं तो यू हैव वन मोर. सपोज करो आप मुझे किसी और जगह डालना है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए मेरे को एक और फूट नोट डालना है. नाउ व्हेन आई पुट अ फूट नोट बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट इज दी इट हैज गॉन ऑन टू द सेम पेज. कहां गया भाई? एंड नोट गोज टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. फुट नोट गोज टू द एंड ऑफ द पेज. यू गॉट माई पॉइंट? नाउ शो नोट्स. शो नोट्स अगर होगा तो आपके जो नोट्स होंगे वो यहाँ पे शो होने लगेंगे अगर आप इसको डालेंगे तो. ठीक है, सपोज करो आपको ये चीजें अंडू करनी है तो आप अंडू कर दीजिए. एंड इफ यू वांट टू रिफ्रेश इट यू कैन रिफ्रेश इट. सपोज करो अब मुझे इस टेक्स्ट में बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करनी है. तो बिब्लियोग्राफी बनती कब है? जब हम साइटेशंस कर लेते हैं. फाइन, तो सपोज इफ आई डू इंसर्ट बिब्लियोग्राफी व्हाट विल हैपन? सी, नथिंग विल हैपन. व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग इट. I'll go to the Mendeley. Mendeley is already installed in my system. Okay? आप इसको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको आपका खुद का लाइब्रेरी दैट इज रिलेटेड विद योर रिसर्च मिल जाएगा. और आप जब बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करेंगे और साइटेशंस करेंगे तो आपका ये Mendeley आपको हेल्प करेगा. कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ. ठीक है, आपका रेफरेंस स्टाइल एक बार पहले सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने जो ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे APA 6 दिखा रहा है, हालांकि आई एम वर्किंग विद 7. यू कैन सी द ऑप्शंस. व्हाट डू यू वांट? यू वांट द बिब्लियोग्राफी, यू वांट द रेफरेंस, और यू वांट द वर्क्स साइटेड. Generally, we put references in the research papers, bibliography in the research, and if you want some citations after completion of your work, then that is the work cited. Okay? Now, let's go the insert citation. Okay? Add a new source, suppose. Agar mujhe manually dalna hai, toh main citation ko insert karunga is table ke through. Suppose karo, aapne koi nayi kitab padhi hai, ya aapke haath mein koi kitab hai, aap जो कि आपके Mendeley की साइट में नहीं है या वो किताब अगर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है तो हाउ विल यू डू दैट? यू विल जस्ट इंसर्ट द साइटेशन यूजिंग दिस टूल. बुक है अगर तो बुक सेक्शन है तो आर्टिकल जर्नल का है तो वो आप सेलेक्ट कीजिए. सपोज करो बुक है एंड बुक करने के बाद में लैंग्वेज हमारे पास वो किताब इंग्लिश की है, ऑथर उसका कोई भी हो. एंड इफ यू वॉन्ट टू एडिट इट यू कैन एडिट इट ऑल्सो. And then title of the book, year कब publish हुई थी, city क्या था, publisher क्या था. जैसे आप ये करते हैं, I'll just show you, give me a minute, I'll just have the book with me. Suppose I have this patterns book with me, I'll just do that for you, give me a minute. It's a book and author is, say, if I write in short, is MQ pattern, PATTON, fine. And title is quotative. Quantitative research and year of publication. बोलिए. मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ. This is 2002 copyright. And the city is USA. And the publisher is Sage. जैसे मैं ओके करता हूं इसको, यू विल सी दैट द
content is added and now what you will see is जब मैं इस यहां पे देखिए ये pattern 202 आ गया. Can you see that? Yes, sir. मैंने क्या किया, साइटेशन ऐड किया तो पैटर्न 2002 मैंने क्योंकि मेरे मेंडले में एक ऐसी किताब जो प्रिंट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो हार्ड कॉपी में मैंने लाइब्रेरी से पढ़ा या कुछ ऐसा ढूंढा, तो मैंने उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद में मैंने क्या किया, इंसर्ट साइटेशन किया. और इंसर्ट साइटेशन करने के बाद में इसने मुझसे पूछा कैसे करना. देखो अभी जैसे मैंने साइटेशन शो किया तो यहाँ पे शो भी कर रहा है पैटर्न एमसीक्यू क्वालिटेटिव रिसर्च आ भी गया यहाँ पे, ठीक है ना. फिर एक नया सोर्स अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं वैसे ही जाऊंगा और चूज करूंगा. तो दिस इज हाउ यू कैन डू विदाउट यूजिंग योर मेंडले आल्सो. अगर आपके पास मेंडले नहीं है एंड इफ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद मेंडले, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन. गो विद इंसर्ट साइटेशन एंड आफ्टर डूइंग दैट व्हाट विल हैपन इज द ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज इज इंसर्ट बिब्लियोग्राफी. The moment you insert the bibliography, what will happen is sir, if I am not comfortable with the Mendeley, then I am moved to the citation. हाँ यही बात मैंने बोली थी. अगर आपके पास में मेंडले नहीं है और आप मेंडले नहीं कर पा रहे हैं तो आप citations को use कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आपको मेंडले के थ्रू रेफरेंस मैनेज करने को ऑप्शन देने लगता है, ठीक है. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे स्टाइल में जाके इंसर्ट साइटेशन बोलता हूँ तो ये मेरे को स्टाइल चूज करने को बोल रहा है, ठीक है. दैट इज ऑलरेडी देयर विच आई हैव ऑलरेडी चूजन. हम लोग एपीए ही यूज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. yes, फाइन. अब सपोज करो मैंने एक बार पैटर्न किया था, अब मुझे यहाँ पे भी पैटर्न को इंसर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, जस्ट इंसर्ट साइटेशन दिस. देखिए बार बार पैटर्न आ गया. अब मुझे बार 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 ढूंढना नहीं पड़ेगा और बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा. तो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद योर डॉक्यूमेंट, आपका रेफरेंस टाइप करते जाइए ताकि आपका नेक्स्ट जब कभी कोई और चीज आप लिख रहे होगे ना तो आपको ये सारी किताबें वहां दिखेंगी. तो आप इन किताबों को अगर दोबारा से कभी यूज करना चाहोगे तो आपको बार बार साइटेशन नहीं लिखना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है. या तो यू कैन यूज इट यूजिंग योर लैपटॉप एंड यू कैन जस्ट इंसर्ट द साइटेशन एंड यू कैन डू दैट. ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग मेंडले तो फाइन. रेफरेंसिंग मैनेजमेंट आपका दूसरे यूनिट में है तो हूसोएवर विल टेक दिस टॉपिक विल हेल्प यू फॉर द मेंडले टू. Let us see the next option. It is 3/16. The mailing. Mailing में mailing research में as such आपके काम का नहीं है. ये office का section है जहाँ पे हमें अगर कोई लिफाफे में हमारे headings या कुछ डालने हो, जैसे for example आपको आपके tools post करने हैं मेरे को या मेरे जैसे 20 teachers को, तो आप ये चाहते हो कि हमारे लिफाफों के ऊपर हम सबका नाम और address आ जाए और आपको लिखना ना पड़े. So what you can do, you can just go to mailings and you can use the envelopes and then you can develop the labels, say envelopes, hai na? Delivery address kya hoga, return address kya hoga, to wo yahan pe design ho jayega and then you can add to a document, print kar loge, printouts nikal aayenge, theek hai. Aap bas usko tear off karke paste kar dijiye, okay. So this is nothing to do with research work, but still you can do that. Ab suppose karo kya hota hai ki aapko kai baar पोस्ट नहीं करना, आपको ईमेल्स करने हैं, लेकिन आपको जैसे आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स हम लोग यूनिवर्सिटी में आप लोगों को भेजते हैं इंटरव्यूज के लिए या एग्जाम के लिए, तो सारा बॉडी सबका सेम रहता है, केवल आपका नाम और एड्रेस बदल जाता है. तो हाउ डू वी डू दैट यूजिंग दिस मेल मर्ज. ओके, हम मेल मर्ज के थ्रू आपका कंटेंट सेम रखते हैं और अलग अलग लेटर्स सेम सीक्वेंस और नंबर्स और रोल नंबर्स के साथ में उसको प्रिंटआउट निकाल देते हैं और फिर उसको फोल्ड करके विंडो एनवेलप में बस स्टेपल करके आपको भेज देते हैं. So it saves time and it is easy also. Let us see how you do the review.
रिव्यू में कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को ऑलरेडी एमएस वर्ड देता है, दैट इज विद द स्पेलिंग चेक एंड द थेसॉरस। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, जो मेरे बहुत सारे साथी अभी बैठे होंगे जो हिंदी से काम कर रहे होंगे और उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर तो सब चीजें हिंदी में बता रहे हैं, इसको सॉरी इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में कैसे करेंगे इसको। तो सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आई एम कमिंग टू इट। ओके, अगर आप कभी देखें तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको देखिए ब्लू लाइंस के थ्रू अंडरलाइन कर रहा है, एंड दैट इज शोइंग कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है। तो अगर सपोज करो आप पूरे डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद में या जितना पैराग्राफ आपने अभी लिखा हुआ उसको सेलेक्ट कर लो, एक स्पेल चेक कर लो, स्पेल चेक में ये आपको बता देगा कहाँ पे आपको करेक्शंस करना है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, गो फॉर से सेलेक्ट द पार्ट दैट यू वांट टू बी करेक्टेड, गो फॉर स्पेल चेक, इट विल चेक एंड इट विल टेल कि यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तब आप उसको कीजिए, अदरवाइज यू आर द रिसर्चर एंड यू नो द मैक्सिमम अबाउट योर रिसर्च, सो डू नॉट डिपेंड अपॉन कंप्यूटर एंड डू नॉट डू द इंप्रूवमेंट्स एज पर द से ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यू रीड योर कंटेंट फर्स्ट एंड देन यू डू द इंप्रूवमेंट्स, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट का सब कबाड़ा कर देगा ये कंप्यूटर। ओके, तो डोंट रिलाई अपॉन दैट। ओके सर। नाउ आप सपोज करो आप आपके कोई डॉक्यूमेंट है से साइंस है, यू वांट टू गो फॉर टू द थेसॉरस एंड यू वांट टू सी व्हाट डज दिस साइंस मींस। तो साइंस अकॉर्डिंग टू इट इट्स अ डिसिप्लिन दैट टॉक्स अबाउट दैट हैज नॉलेज स्किल आर्ट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। यू मे रिप्लेस इट बट यू शुड नॉट रिप्लेस इट, बिकॉज अगर आप इसको यहाँ पे साइंस एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो दिस कैन नॉट बी ever replaced by any of the word as shown in thesaurus। ठीक है, suppose करो आप लोग कई बार research paper लिखते हो और आपसे कहा जाता है कि आपको 200 word का abstract लिखना है, तो now suppose आप कैसे करोगे check कि ये है, या तो select करो and word count कर दो, you will get to know page 2 148 word है इस selection में, 910 character है, that is it। ठीक है, किसी का microphone on है please बंद कीजिए। कंट्रोल ए किया, वर्ड काउंट टोटल किया, अभी हमने जितना किया 5 पेजेस हैं, 341 वर्ड हैं, 2087 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। रीड अलाउड का ऑप्शन हम आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं, आप सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन करने के बाद में रीड अलाउड कर दीजिए, द कंप्यूटर विल रीड फॉर यू। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिएटिव एबिलिटीज इन ऑर्डर टू यूज साइंटिफिक प्रोसीजर्स। स्टूडेंट्स आर हेजिटेंट टू चूज साइंस एज अ टॉपिक, सोर्स अभी मैं आप लोगों से बोल रहा था कि यू नो आप हिंदी का काम कर रहे हैं एंड लाइक आपको मैक्सिमम जो आपका मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है और आपको ये समझ में नहीं आता अब हम इसका क्या करें, और आप उसको ट्रांसलेट कर नहीं सकते क्योंकि आपको इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। तो व्हाट यू डू इज यू जस्ट सेलेक्ट द कंटेंट, है ना, गो हियर एंड गो टू द लैंग्वेज एंड गो टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट द सिलेक्शन, आपने केवल जिसको सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद में व्हाट यू डू इज यू जस्ट ओके इट इज फ्रॉम एंड टू, आपको किस भाषा में बदलना है, सपोज करो आपको हिंदी में बदलना है, हिंदी सेलेक्ट कर दो एंड इंसर्ट, देखिए आपका सारा हिंदी में हो गया। खुश? यस सर। अर्थ तो नहीं बदल जाएगा, जो जो भी कहना चाह रहा है उसका अर्थ तो नहीं बदलेगा। आप पढ़िए तो, आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर पर, ये आपको हेल्प कर सकता है लेकिन भाव आपको देखना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब सर ने ट्रांसलेशन सिखाया है तो मैं ट्रांसलेट कर लूंगा और अब मुझे अब कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है, बट यस दिस इज वेरी मच क्लोज टू द इंग्लिश वन, यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक दैट कि वेदर द फ्लो एंड वेदर द रैशनल दैट हैज बीन रिटन इन इंग्लिश इज सिमिलर टू हिंदी और नॉट। ओके, ऑलवेज रिसर्च के टॉपिक को, रिसर्च के टॉपिक को आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट मत कीजिए, उस टॉपिक को आपको हिंदी में लिखना होगा। ठीक है, देवनागरी में तो आप इस केवल कंटेंट के कुछ हिस्सों को ऐसे ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हैं, बट आपको इस पे खुद के भी काम करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन, सो इट वुड बी अंडर प्लेजरिज्म।
तो इट वुड हेल्प यू टू रीड इंग्लिश कंटेंट. जैसे आप लोग कहते हो ना सर मेरे को हिंदी पेपर तो मिला लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे रिव्यू लिखूं इसका, तो व्हाट यू डू इज यू डाउनलोड दैट इंग्लिश पेपर, कन्वर्ट दैट इनटू हिंदी, रीड इट, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द पेपर, एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ सफिशिएंट हेल्प टू यू. ओके जी सर जी फाइन. देन इज द कमेंट पार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी शोन विद यू ऑल, एंड the other things are of not to be shown. Let us see the view portion. View portion to केवल ये हमारे देखने और presentation के वक्त में use होता है, research में ऐसा जिसका use हम नहीं करते. Read mode में हमारे पढ़ने के लिए, print mode में जब कैसा दिखेगा print होके वो, web layout में website में कैसा web layout कैसा दिखेगा इसका वो है. और आपको सपोज करो रात में पढ़ना है और आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो बहुत पास पास लिखा हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ना चाहते हो, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इमर्सिव रीडिंग. इमर्सिव रीडिंग करते ही व्हाट विल हैपन इज आपका कंटेंट दूर दूर फैल जाएगा और आपको साफ साफ दिख रहा होगा. जनरली लैंग्वेजेस में हम ये सब क्रॉस चेक करते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी डन, तो आई जस्ट गो क्लोज इमर्सिव रीडिंग and I'm coming back to my document. Then if you want to zoom your document, you can zoom it. Iski koi zarurat as such hai nahi. Multiple pages aapko use nahi karna hai as such research mein, but yes, if you want the multiple pages to be there, you can do that to read it. But aapke paas mein options aur bhi bahut sare hain isko karne ke liye, otherwise there is no need to. Lekin aapko layout jab agar aapke pages ka chapter ka dekhna ho research writing mein, then you should use this multiple page option. You can do that. I hope this is 3:24 and I'm done with my part. I hope you all must have had enjoyed it. आप लोग को समझ में कुछ कुछ आया होगा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में. वैसे तो आपके कंटेंट सिलेबस में बहुत कम चीजें थी, बट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग इन द वर्ड प्रोसेसिंग टू टॉक विद यू सो दैट यू कैन यूज इट एज मच एज पॉसिबल इन योर रिसर्च, बिकॉज आप हमारे फ्यूचर हैं. अगर आपको शुरू से ही ये सारी चीजें बता दी जाएंगी, सिखा दी जाएंगी, तो आप बहुत सारी चीजें परेशान नहीं होंगे. शरद आप गलती से हाथ उठा रहे हैं या आप अभी आए हैं मीटिंग में? सर प्रणाम सर. आपने कानपुर में रिसर्च में ज्वाइन किया है? जी सर जी सर. अच्छा, मैं बहुत देर आपका नाम पुकार रहा था, क्लास शुरू होते वक्त आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद आपने ऐसे ही मीटिंग ज्वाइन की है. नो सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं सर सुन रहा हूँ पूरा, आपको पूरा कंटेंट सीखा हूं सर. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर. आप बोलिए. तो सर हमें सर जैसे हम लोग को थोड़ा सा जैसे हेडर एंड फुटर पेज नंबर थोड़ा बता दीजिए, इसको तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं उसको डालते वक्त. ओके इट्स वेरी इजी, वेरी इजी. जी आई होप यू कैन सी माय डॉक्यूमेंट. जी सर. ठीक है, इंसर्ट पे गए, हेडर, ऑलवेज रिमेम्बर हेडर अवॉइड कीजिए, क्योंकि हेडर आप जब कभी डालते हैं तो वो हर पन्ने पे ऊपर आता है. जी सर जी. तो सी दैट यू डोंट पुट हेडर एंड देयर इज नो नीड टू पुट हेडर. अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो कि आप अगर कोई चैप्टर का अलग अलग फाइल बना रहे हो, देन यू कैन डू दैट एंड प्रिंट अलग अलग निकालो, फिर उसको बाद में बाइंड कर लो. लेकिन हम एकेडमिक राइटिंग में हेडर को एज सच नहीं सपोर्ट करते, तो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग हेडर. बट यस, फुटर भी हम नहीं डालते हैं, हम उसमें पेज नंबर्स डालते हैं. तो फुटर भी हम रिसर्च में यूज नहीं करते, वी जस्ट यूज द पेज नंबर्स. बट इन पेज नंबर व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज जो आपका प्रिलिमिनरी सेक्शन है, दैट इज फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू द टेबल ऑफ रेफरेंस एंड द कंटेंट, वहां पे जो पेज नंबर्स हैं वो रोमन फॉर्म में पढ़ते हैं. चैप्टर वन इंट्रोडक्शन जहां से शुरू होता है वहां पे न्यूमरल्स से नंबर शुरू होते हैं, वन. जी सर. वो बिब्लियोग्राफी के लास्ट पेज तक चलते हैं और फिर अपेंडिक्स में जो पेज नंबर्स होते हैं वो रोमन में जाते हैं, ठीक है, और वो
टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लिखे जाते हैं। तो अपेंडिक्स में आप हेडर डाल के नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम पेज पे नंबर नहीं जाएंगे अपेंडिसेस में, लेकिन जो आपका प्रिलिमिनरी सेक्शन है वहां पे आप बॉटम ऑफ द पेज पे रोमन्स में नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे चाहते हैं कि क्या मैं डाल के भी दिखाऊं फुटर? यस सर, क्योंकि ओके फुटर डालते हैं, अगर अपन वन डाला हमने तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग समथिंग, वो ऑटोमेटिकली फिर हमारे हर पन्ने पे आप अगर देखेंगे तो इट विल कम, ठीक है, ये नंबर आ रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे, देखिए दो के बाद तीन आ गया, ऐसा आ गया, वो पेज नंबर ही चल रहा है, हमने अभी हमारे फुटर में कुछ भी डाला नहीं है ना। बट सपोज करो मैंने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, तो इफ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग देन से If I do that, abhi what you will see is har panne pe you will see my footer is there. Okay, Dr. G, sir, G. page number bhi change ho raha hai and the footer is there. Okay, but research mein hum research this thesis mein hum ye nahi karte. There is no footer to be kept. What do we put is end note and footnote. Footer uniformly sabhi pages mein niche aayega. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो या ये आप चाहते हो कि आप एंड नोट या फुट नोट डालें, तो यूज एंड नोट एंड फुट नोट रादर देन यूजिंग फुटर, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट जिस पन्ने पे शिफ्ट होगा ऑटोमेटिकली आपका फुट नोट उस पन्ने पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? सपोज करो जैसे मैंने ये यहाँ पे एक फुटर डाला, देखिए अभी ये समझ में आया, मैंने कोई पन्ने पे चीज टाइप की थी, टाइप करने के बाद मैंने जैसे इंसर्ट फुटनोट किया तो वो यहाँ पे वन आ गया और इसके जस्ट नीचे पेज में यहाँ पे फुटनोट आ गया। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो इट इज बेटर अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो गो फॉर फुटनोट रादर देन फुटर। ओके, तो व्हाट विल हैपन इज योर extra reading will be on the will only be on the page on which the term is there. Suppose करो यहाँ पे आपने national curriculum framework लिखा था और one लिखा means insert footnote किया था और आपने NCF को यहाँ पे extra explanation दिया हुआ था, तो केवल यहाँ पे ही वो नीचे दिखेगा, हर पन्नों पे नहीं दिखेगा और हम ये चाहते भी नहीं है। footer में हम क्या चाहते हैं कि हर पन्ने पे वो चीज दिखे, तो it is better you insert a footnote rather than a footer. ओके, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और जरूर कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। बाकी आप सब लोग पीएचडी में स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, होप यू ऑल डू इट, बट ऑलवेज रिमेंबर टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ सपोर्टर टू यू, द एक्चुअल इंटेलिजेंस इज इन योर माइंड, write your own thoughts and express in your own way.
and use technology to make it more scientific, more accurate, perfect, and grammatically free. Over to Dr. Saini sir, he has joined. Thank you for giving this opportunity. I am rushing to my directorate for my further works. Agar abhi bhi kisi ko ek do question puchna hai, they can just ask. Hello sir. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर जो आपने ये ट्रांसलेटर वाला बताया है हम लोग ऑनलाइन सोर्सेस से शोध गंगा और शोध गंगोत्री में बहुत सारी थीसिस जैसे देखते हैं तो वो इंग्लिश में होती है और अगर उसे हम क्या ये जो आपने ट्रांसलेटर वाला बताया है उस पे जाके क्या सर हिंदी में उसको देख सकते हैं आप उस पे जाके मत देखिए आप उसको पहले डाउनलोड कीजिए ठीक है डाउनलोड करने के बाद में आप जिस सेक्शन को आप चाहती हैं कि आप समझना चाहती हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो पोर्शन आपके काम का है उसको आप वर्ड फाइल पे कॉपी कीजिए ठीक है वर्ड फाइल पे कॉपी करने के बाद में उस पोर्शन को आप ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए ठीक है एंड ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर यू रीड समबडीज एल्सेस थीसिस गिव अ ड्यू रिगार्ड इवन अगर आप हिंदी में भी लिख रही हैं लेकिन आपने थीसिस अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो आप उसको रेफरेंस जरूर कीजिए क्योंकि अब हमारे पास में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे हम आपके कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि आपने हिंदी कंटेंट से लिया है या इंग्लिश कंटेंट से लिया है ओके ओके थैंक यू सर एक चीज मैं भूल गया बताना दैट वॉज शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट थ्रू ऑनलाइन ओके वैसे ये वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने वन ड्राइव में अपना ऑप्शन अकाउंट बना रखा हो यू कैन शेयर दैट थ्रू ऑनलाइन अदरवाइज आप सब लोगों को 15 GB का स्टोरेज आपके जीमेल पे मिलता है आप आपके कंटेंट को अपने ड्राइव पे रखिए और आप अपने ड्राइव का लिंक उनके साथ में शेयर कर सकते हैं ठीक है अगर आप मुझे एक मिनट दें तो क्या आप ये देखना और सीखना चाहेंगे कैसे इसको करते हैं यस सर सिखा दीजिए सर ओके मैं अभी जल्दी से सही नहीं सर टाइम है 5 मिनट का टाइम तो नहीं है कर लीजिए सर कर लीजिए ओके आई एम रियली सॉरी आई एम एनक्रोचिंग समबडीज एल्सेस टाइम बट आई नो ये चीज इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें होती हैं जी 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 I'm taking you to my email, ठीक है suppose करो मेरे पास मेरा कोई मैं अपने ड्राइव पे आपको ले जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अपने ड्राइव से आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर करूं नाउ ठीक है सपोज करो कोई रिसर्च पेपर मैंने लिखा है और इस पेपर को मैंने खोला और खोलने के बाद में आई वांट कि ये पेपर आप लोग भी पढ़ो तो इस पेपर को मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ ठीक है शेयर करने के बाद में आपको सपोज करो किसी एक को या कुछ लोगों को भेजना है तो आप उनका ईमेल टाइप कर सकते हो सपोज करो मैं इसको किसी को भेजना चाहता हूँ तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद दी राव वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में है आप आपके सुपरवाइजर को ऐड कर सकते हो ऐसे ठीक है नाउ आप ये नहीं चाहते कि आप जिससे शेयर करो वो इसको पढ़े तो आप इसको क्या करो केवल व्यूअर कर लो और देन सेंड कर दो ठीक है एक और तरीका इसका हो सकता है कि आप इसका लिंक हो शेयर तो कॉपी लिंक करिए और सपोज कीजिए हम अभी आपकी मीटिंग में है और मीटिंग पे हम मैसेज में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे तो आप इस लिंक के थ्रू मेरे डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है बट मैंने आपको ऑप्शन क्या दे रखा है केवल आप उसको पढ़ सकते हैं करेक्ट नहीं कर सकते हैं तो दिस इज हाउ अ टीचर कैन शेयर हिज कंटेंट और अ रिसर्चर कैन शेयर हिज कंटेंट विद सो मेनी पर्संस टुगेदर सिमिलरली यू कैन एंड यू शुड शेयर द ड्राइव थिंग जैसे कई वीडियोस होते हैं हम लोग सेव करते हैं अपने ड्राइव में और हम उसको बहुत बड़ा होने के कारण से किसी को भेज नहीं सकते तो व्हाट डू वी जस्ट शेयर द ड्राइव लिंक टू इट हाउ डू यू डू दैट या तो डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दीजिए और अदरवाइज यहां से शेयर कर दीजिए एंड दैट इज इट थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू
आई होप शायद अगर मुझे फिर से मिलने का मौका मिलेगा देन वी विल टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ रिसर्च एंड विल कम और मैं चाहूंगा आप सब लोग रिसर्च पेपर कम से कम अपने कोर्स वर्क में एक एक तो लिख ही लीजिए एंड गेट इट पब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल ओके माय ऑल बेस्ट विशेस विद यू हां पवन पवक जी बोलिए सर रिसर्च पेपर के लिए जैसे टॉप आपने बताया तो क्या हम सर अपने जो है फर्दर जो हम आगे टॉपिक रिसर्च का लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए या हम कोई दूसरा टॉपिक लेके उस पे बना सकते हैं अगर सुपरवाइजर आपको अलॉट नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली यू कैन राइट एनी बट यस यू शुड राइट समथिंग विद व्हिच यू प्रपोज टू डू योर रिसर्च बिकॉज़ उससे आपका ही फायदा है आपने अगर कोई काम किया हुआ होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेकर के ज्यादा अच्छी होगी Okay. और अभी आपके पास में अच्छे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद में आपको कौन सा रिसर्च सेंटर मिलेगा आपको पता नहीं तो अभी आप उनका फायदा उठा सकते हैं यू कैन डू गुड सर बाद में भी तो उठा सकते हैं फायदा ये मेरा अनुभव है मेरा अनुभव है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं बिल्कुल सर थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इनको आज बहुत बड़े मतलब भले वो देखने में छोटा लग रहा था लेकिन टॉपिक वो बहुत बड़ा था जो कि मुझे लग रहा था कि ये गिवन टाइम में पूरा होना इतना पॉसिबल नहीं था फिर भी आपने इनको बहुत अच्छे से समझाया है और मेरे ख्याल से ये जो कोविड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑनलाइन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सर आपकी वजह से जो चीजें हाँ खत्म हो गई मुझे मालूम है खत्म हो गई मुझे मालूम है तो जिसकी वजह से यदि ये ऑफलाइन मोड में होता तो जितना बेहतर आप इनके साथ में कर सकते थे ये आपके साथ सीख सकते थे वो ऑनलाइन मोड में नहीं हो पाता है फिर भी थैंक यू सो मच हम फिर भी आपको फिर से आपको याद करेंगे और मुझे लगता है हम लोगों ने तो आप लाइक के लिए बोला था सर को बुलाने के लिए जी 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 थैंक यू सो मच आएंगे सर भी आएंगे सर भी आएंगे ओके थैंक यू सो मच बुला दीजिए सर ऑफलाइन जी थैंक यू सो मच थैंक यू तो आप जल्दी से दो मिनट के लिए पानी जिसको पीना हो तो मैं जल्दी से पी लीजिए जल्दी तुरंत आइए वापस सर पांच मिनट ठीक है जी सर जी सर जल्दी जाइए दो मिनट जल्दी जाइए दो मिनट के लिए आइए जल्दी दो मिनट में आइए और नेक्स्ट जो अभी जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो रिसर्च की नहीं है जनरल सब्जेक्ट जो एजुकेशन और टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट है वो क्लास है सुनीता अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए सुनीता यस तो लगभग काफी लोग जुड़े हुए हैं तो क्या इसमें हमारे बीपीएड वाले बच्चे भी हैं फिजिकल वाले सर हाँ हाँ है सर हम लोग फिजिकल वाले फिजिकल वालों का कोई काम नहीं है आप दूसरी क्लास अपने अटेंड करिए ठीक है ठीक है सर सुनना चाहे तो कोई गुड डे सर सुनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है गुड डे सुनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी चूंकि आपको दूसरी जगह जाना है इस वजह से मैंने कहा तो बच्चों जो आपकी जो दूसरी वाली क्लास की जो अटेंडेंस है वो हम बाद में ले लेंगे आप लोग क्लास को अटेंड करें चूंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है और मैडम बहुत देर से वेट कर रही हैं मैडम हम लोगों को ज्वाइन कर चुके